और दोस्तों एग्रो गोल्ड एचडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर। सभी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं और आप लोग जो है फटाफट क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक है, ग्रेन बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा साइटोफिलस ओरी इजी, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा साइटोफिलिस ओरी इजी जो है ग्रेन बीटल का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, ग्रेन बीटल अनाज को किस प्रकार हानि पहुँचाता है? तो ये जो है दानों को खोखला कर उसको जो है पाउडर के रूप में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, घुन का आकार होता है? यहाँ पर दोस्तों जो है घुन और ग्रेन बीटल जो है एक ही है, यानी कि इंग्लिश में इसे ग्रेन बीटल कहते हैं। तो घुन का आकार जो होता है यानी कि ग्रेन बीटल का आकार क्या होता है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा 3 मिलीमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, एक ग्रेन बीटल यानी कि घुन अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 150 से 250। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक ग्रेन बीटल का जीवन काल होता है? तो ग्रेन बीटल का जो जीवन काल है यानी कि घुन का 3 से 5 माह, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खपरा बीटल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, खपरा बीटल दानों को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो ये जो है दानों के अंकुरित भाग को खरोंचता है और इन्हें जो है बर्बाद कर देता है। क्वेश्चन नंबर एट है, खपरा बीटल का आकार होता है? तो खपरा बीटल का जो आकार है वो होता है 1.5 से लेकर 3 मिलीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर नाइन है, खपरा बीटल किन अनाजों को हानि पहुँचाता है? तो खपरा बीटल जो है गेहूं, मक्का, ज्वार और दाल वाली फसलों को जो है हानि पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर टेन है, खपरा बीटल मादा कितने अंडे देती है तथा इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये जो है 80 से 125 अंडे तथा इसका जीवन काल जो है नर का होता है 20 से 30 दिन तथा मादा जो है वो 20 से 40 दिन जीवित रहती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रेड बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेड बीटल का जो वैज्ञानिक नाम है ट्राइबोलियम कैस्टेनियम, आपका आंसर हो जाएगा राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेड बीटल अपना जीवन यापन करते हैं? तो ये जो है रेड बीटल जो हैं ये पिसे हुए पदार्थों पर अपना जीवन व्यापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेड बीटल का आकार होता है? तो रेड बीटल का जो आकार है वो होता है दोस्तों यहाँ पर आयताकार चपटा हुआ 3 से 4 मिलीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मादा कीट रेड बीटल कितने अंडे देती है? तो मादा कीट रेड बीटल जो है वो 400 से लेकर लगभग 500 अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, मेज मोथ मक्का का पतंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्लोडिया इंटर पेक्टेला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मेज मोथ किस फसल को हानि पहुंचाता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मक्का के भुट्टे और दानों को जो है मेज मोथ हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, राइस विविल चावल का पतंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कोर्सा यरा सिफेलोनिका, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइस विविल का रंग और आकार कैसा होता है? तो ये इसका रंग जो है दोस्तों पीला या भूरा होता है और आकार जो होता है वो 12 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनाज की जू का प्रकोप कहाँ होता है? तो अनाज की जू का जो प्रकोप है वो भंडार गृह में नमी युक्त जगह में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनाज की जू कितने अंडे देती है? तो अनाज की जू जो है दोस्तों 60 अंडे जो है देती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे और मॉर्निंग में आप लोगों के लिए क्लास लेकर आएंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 50 से लेकर 60 तक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए करवाएंगे जो कि पूरे आपके जो सब्जेक्ट से होंगे।
तो चलिए दोस्तों, और जो है मॉर्निंग की क्लास जरूर देखिएगा, और आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।